नमस्कार दोस्तों, रीएजुकेशन एकेडमी में एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है। और आज के इस लेक्चर में हम लोग संघीय मंत्रिपरिषद के बारे में पढ़ेंगे। और इसके पूर्व के लेक्चर में हम लोगों ने प्रधानमंत्री के पद, उसके कार्य शक्तियां इत्यादि के संदर्भ में पढ़ा था। और आज के इस टॉपिक में हम लोग संघीय मंत्रिपरिषद के बारे में पढ़ेंगे। संघीय मंत्रिपरिषद के एक सामान्य परिचय, उसके संरचना, उसके कार्य पद्धति, उसके कार्य और भूमिका इत्यादि टॉपिक को हम लोग कवर करने का प्रयास करेंगे। तो आइए हम लोग एक एक करके इसके बारे में देखते हैं। संघीय मंत्रिपरिषद के सामान्य परिचय के अंतर्गत 74 अनुच्छेद 74 के अंतर्गत ये कहा गया है कि राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका मुखिया या प्रधानमंत्री होगा। तो ऐसी स्थिति में आर्टिकल 74 के अंतर्गत यहाँ पर मंत्रिपरिषद की व्यवस्था की गई है। और इस मंत्रिपरिषद के आकार के संदर्भ में अगर बात किया जाए तो 91वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के माध्यम से इसका आकार जो है वो निर्धारित किया गया है। और बताया गया है कि प्रधानमंत्री सहित समस्त मंत्रिपरिषद का आकार जो है वो 15% होगा। सदन के सदस्यों के जो 15% से अधिक नहीं होगा, यानी कि प्रधानमंत्री सहित अन्य सभी लोगों की जो संख्या है वो सदन की संख्या के जो है सदस्यों की संख्या से के 15% से अधिक नहीं हो सकता। तो इस तरीके से सामान्य परिचय के अंतर्गत हम लोगों ने ये देखा कि अनुच्छेद 74 के अंतर्गत मंत्रिपरिषद शब्द को या मंत्रिपरिषद की आवश्यकता पर बल दिया गया है। यद्यपि अन्य कई आर्टिकल के अंतर्गत मंत्रिपरिषद शब्द आया हुआ है, लेकिन मंत्रिपरिषद की आवश्यकता और राष्ट्रपति को विभिन्न विषयों में परामर्श देने के संदर्भ में जो प्रावधान और व्यवस्था है वो आर्टिकल 74 के अंतर्गत किया गया है। और इसके साथ साथ इसमें बताया गया है कि 91वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के माध्यम से इसकी सदस्य संख्या को 15% तक निश्चित किया गया है। इसमें प्रधानमंत्री भी सम्मिलित होते हैं। एक और महत्वपूर्ण बात है, 1971 ईस्वी में सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्वचन में या अपने निर्णय में इस बात को स्पष्ट किया कि यदि कहीं पर भी देश की राजनीतिक व्यवस्था में लोकसभा का विघटन हो जाता है या लोकसभा का कार्यकाल समाप्त हो जाता है, उसका विघटन हो जाता है, फिर भी मंत्रिपरिषद का विघटन नहीं किया जाएगा। ऐसा इसलिए कहा गया है क्योंकि जहां पर अनुच्छेद 74 में राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद की बात कही गई है, वहां पर इस बात की अपेक्षा की गई है कि हमेशा ही प्रत्येक दशा में, प्रत्येक स्थिति में मंत्रिपरिषद बनी ही बनी होगी। क्योंकि जो राष्ट्रपति के द्वारा लिया गया निर्णय होता है या जारी किया गया आदेश होता है वो मंत्रिपरिषद का जो है या मंत्रिपरिषद की संतुष्टि होती है, वो राष्ट्रपति की व्यक्तिगत संतुष्टि नहीं होती है। क्योंकि मंत्रिपरिषद एक सरकार के रूप में होती है और वह उस पार्टी के द्वारा बनाई गई होती है जिसे लोकसभा में बहुमत होता है और स्वयं लोकसभा जनता के की जो है सदन होती है। तो ऐसी स्थिति में वो जनता के द्वारा लिया गया अप्रत्यक्ष रूप से दीर्घकालिक अर्थ में कर देखा जाए तो निर्णय होता है। तो ऐसी स्थिति में 1971 ईस्वी में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यह निर्णय लिया गया था कि लोकसभा का विघटन भी हो जाता है तो उस स्थिति में भी मंत्रिपरिषद बनी रहेगी और हमेशा राष्ट्रपति को किसी भी प्रकार के लिए गए निर्णय के लिए वो परामर्श देती रहेगी। तो इस तरीके से जो है मंत्रिपरिषद प्रत्येक दशा में होगी ही होगी, क्योंकि कोई भी निर्णय अगर राष्ट्रपति लेता है तो वो यह माना जाता है कि वो मंत्रिपरिषद के द्वारा उसे दिया गया है। दूसरी महत्वपूर्ण बात है, सामूहिक उत्तरदायित्व के साथ साथ मंत्रिपरिषद जो है व्यक्तिगत उत्तरदायित्व के सिद्धांत पर काम करती है। सामूहिक उत्तरदायित्व के संदर्भ में अनुच्छेद 75(5) के अंतर्गत बताया गया था, 75(3) के अंतर्गत बताया गया था, अनुच्छेद 75(3) के अंतर्गत ये बताया गया था कि सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत पर काम करती है। इसी तरीके से व्यक्तिगत उत्तरदायित्व भी होता है और इसका तात्पर्य है कि अनुच्छेद इसी के 2 में कहा गया है कि प्रत्येक मंत्रिपरिषद के जो सदस्य होंगे वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बने रहेंगे। कहने का तात्पर्य यह है कि अगर कोई भी मंत्री अपने कार्यों से सेटिस्फाइड नहीं कर पाता है देश की व्यवस्था को, मंत्रिमंडल को, तो वहां पर प्रधानमंत्री के द्वारा उसे बर्खास्त करने की सिफारिश राष्ट्रपति से की जा सकती है और राष्ट्रपति के द्वारा दिए गए आदेश से वो उसका पद समाप्त हो जाता है। तो यहाँ पर व्यक्तिगत के साथ साथ सामूहिक उत्तरदायित्व, व्यक्तिगत एवं सामूहिक
व्यक्तिगत यौन जो है सामूहिक उत्तरदायित्व की व्यवस्था होती है। मंत्रिपरिषद सामूहिक उत्तरदायित्व के रूप में लोकसभा के प्रति अपने समस्त कार्यों, निर्णय, प्रशासन, नीतियों के लिए जो है उत्तरदायी होता है। इसी तरीके से व्यक्तिगत स्तर पर किसी भी मंत्री के द्वारा अगर कोई निर्णय लिया जाता है, कोई कार्य किया जाता है, किसी मंत्रालय के प्रभारी के रूप में काम किया जाता है और वो उससे पूरी सरकारी व्यवस्था अगर सेटिस्फाइड नहीं होती है तो उसकी व्यक्तिगत जिम्मेदारी भी उस पर बनती है और राष्ट्रपति किसी मंत्री को व्यक्तिगत रूप में बर्खास्त कर सकता है क्योंकि मंत्रिपरिषद के सभी सदस्य प्रधान राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बने होते हैं। तो इस तरीके से मंत्रिपरिषद के संदर्भ में ये भी महत्वपूर्ण एक व्यवस्था है। लेकिन मंत्रिपरिषद के संदर्भ में बताया गया है कि मंत्रिपरिषद के सदस्यों की विधिक उत्तरदायित्व नहीं होता है, विधिक उत्तरदायित्व इनका नहीं होता है, विधिक उत्तरदायित्व नहीं होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था में सरकार के द्वारा जो निर्णय लिए जाते हैं, सरकार के द्वारा जो कार्य किए जाते हैं वो राष्ट्रपति के नाम से होते हैं। आर्टिकल 77 में ये चीज पहले ही बताया जा चुका है और उस पर जो है मंत्री के द्वारा कोई हस्ताक्षर नहीं किया जाता, इसलिए उसकी विधिक जिम्मेदारी या उत्तरदायित्व तो मंत्री की नहीं होती है। यहाँ तक कि मंत्री के द्वारा या मंत्रिपरिषद के द्वारा राष्ट्रपति को क्या परामर्श दिए गए हैं इस विषय की जांच और समीक्षा भी न्यायालय के द्वारा नहीं किया जा सकता है, इसलिए जो है मंत्रिपरिषद का विधिक उत्तरदायित्व उस संदर्भ में नहीं होता है। इसी के साथ साथ एक अलग व्यवस्था है वो यह है कि जो मंत्री होते हैं वो संसद के दोनों सदनों में से किसी भी सदन के सदस्य हो सकते हैं, वह किसी भी सदन में बैठक में भाग ले सकते हैं, उस पर अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं। लेकिन यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज है कि जहां पर मतदान देने की बात आएगी, क्योंकि मंत्री भी किसी न किसी सदन का सदस्य है तो वह उसी सदन में मत देगा जिस सदन का वह सदस्य होगा। तो यहां पर ये चीज ध्यान में रखना है कि मंत्री दोनों सदनों में से किसी भी सदन का सदस्य होता है, किसी भी सदन के सदस्य होने के साथ साथ वो किसी भी बैठक में भाग ले सकता है, वहां पर विचार व्यक्त कर सकता है, बोल सकता है, लेकिन मत वह वहीं पर देगा जिस सदन का वह सदस्य होगा। तो इस तरीके से मंत्रिपरिषद की सामान्य परिचय के अंतर्गत जब भी सामान्य परिचय देने की बात आएगी तो यहां पर यह बताया जाएगा कि मंत्रिपरिषद जो है अनुच्छेद 74 के अंतर्गत राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए बनी एक सरकारी संरचना है और इसमें कैबिनेट स्तर के मंत्री, राज्य मंत्री, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार और उप मंत्री इत्यादि होते हैं और इसका आकार जो है वह 91वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के माध्यम से 15% तक निश्चित की गई है। इसमें प्रधानमंत्री का पद भी शामिल होता है और 1971 ईस्वी में यह व्यवस्था की गई है कि लोकसभा एक विघटित भी हो जाती है तो मंत्रिपरिषद प्रत्येक स्थिति में बनी रहेगी क्योंकि राष्ट्रपति बिना मंत्रिपरिषद के परामर्श के कोई निर्णय नहीं ले सकता है और राष्ट्रपति के द्वारा लिया गया निर्णय राष्ट्रपति का व्यक्तिगत निर्णय ना होकर पूरे मंत्रिपरिषद के द्वारा लिया गया निर्णय होता है। यह लोकतांत्रिक मूल्य और भावना के भी अनुरूप है। ऐसा इसलिए क्योंकि मंत्रिपरिषद उस राजनीतिक दल के सदस्य होते हैं जिन्हें लोकसभा में बहुमत होता है और स्वयं लोकसभा जनता की सदन होती है, अर्थात ये माना जाता है कि कोई भी निर्णय अंतिम रूप से जनता के द्वारा लिया जा रहा है। तो इस तरीके से लोकसभा के विघटन के बावजूद भी मंत्रिपरिषद प्रत्येक स्थिति में बनी रहेगी। इसी तरीके से अगली व्यवस्था है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक उत्तरदायित्व के साथ साथ व्यक्तिगत उत्तरदायित्व के सिद्धांत पर काम करती है लेकिन विधिक उत्तरदायित्व मंत्रिपरिषद के सदस्यों की नहीं होती है। और अगली महत्वपूर्ण व्यवस्था है कि इसके सदस्य जो है वो दोनों सदनों में से किसी भी सदन में भाग ले सकते हैं, वहां पर बोल सकते हैं, लेकिन मतदान केवल उसी सदन में करते हैं जिसके वो सदस्य होते हैं। ये व्यवस्था थी संघीय मंत्रिपरिषद के बारे में एक सामान्य परिचय के रूप में। यहाँ जो पॉइंट्स वार आपको बताए जा रहे हैं यहाँ से कई बार सवाल प्रारंभिक परीक्षा में भी पूछे जाते हैं और साक्षात्कार में भी समान रूप से पूछे जाने की संभावना होती है। तो इस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पर सामान्य परिचय के टॉपिक के अंतर्गत जो है अध्ययन किया। हालांकि इसके बाद यहाँ पर विभिन्न प्रकार की परीक्षाओं में पूछे गए सवालों पर आधारित एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पर भी लेक्चर अगला होगा जिसमें आप लोग देखेंगे कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए हैं ताकि एक कॉन्सेप्ट के साथ साथ आपको तथ्यात्मक विषयों, तथ्यात्मक बिंदुओं की भी जानकारी हो सके। संरचना
इसमें पांच प्रकार के पदाधिकारियों के माध्यम से इसकी संरचना होती है। कैबिनेट स्तर के मंत्री, राज्य मंत्री, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, उपमंत्री और संसदीय सचिव। तो संरचना के अंतर्गत अगर देखा जाए तो यहां पर कैबिनेट, राज्य, राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार, उपमंत्री और इसी तरीके से संरचना के अंतर्गत इन पदाधिकारियों से मिलकर मंत्रिपरिषद का गठन होता है और ये विभिन्न रूपों में विभिन्न प्रकार की जिम्मेदारियों के स्तर को ध्यान में रखते हुए इन मंत्रियों के पद का नाम निर्धारित किया गया है, जो अलग अलग विषयों पर देश की प्रशासनिक व्यवस्था में अपनी भूमिका अदा करते हैं। अब इन बिंदुओं को, इन पदाधिकारियों को, नामों को हम एक एक करके व्याख्यात करने का प्रयास करेंगे। कैबिनेट के संदर्भ में यह है कि कैबिनेट मंत्री वह मंत्री होते हैं जो किसी भी मंत्रालय के स्वतंत्र रूप से प्रभारी होते हैं, वह मंत्रिमंडल के सदस्य होते हैं और इनकी संख्या जो है, कैबिनेट मंत्री की जो संख्या है वो सामान्यतया 25 से 30 होती है और सप्ताह में एक बार इनकी बैठक होती है। कैबिनेट सबसे महत्वपूर्ण सरकार की जो इकाई होती है जिसके द्वारा विभिन्न प्रकार के विषयों पर निर्णय लिया जाता है। ये विभिन्न प्रकार के मंत्रियों में सबसे शक्तिशाली मंत्री होते हैं और ये किसी भी मंत्रालय के स्वतंत्र रूप से प्रभारी होते हैं। इसी तरीके से राज्य मंत्री के अगर संदर्भ में देखा जाए तो जहां पर ये एक कैबिनेट मंत्री जो होते हैं मंत्रिमंडल के सदस्य होते हैं, वहीं पर राज्य मंत्री मंत्रिमंडल के सदस्य नहीं होते हैं और ना ही वह किसी मंत्रालय के स्वतंत्र प्रभारी होते हैं, बल्कि वह मंत्रालय के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के विभागों के प्रभारी होते हैं। चूंकि वो मंत्रिमंडल के सदस्य नहीं होते हैं इसलिए मंत्रिमंडल की बैठकों में भी भाग नहीं लेते हैं। और राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, यहाँ पर राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार और राज्य मंत्री में क्या अंतर हो सकता है? राज्य मंत्री जो स्वतंत्र प्रभार होता है इसे किसी मंत्रालय के प्रभारी बनाया जाता है, जैसे कैबिनेट मंत्री को प्रभारी बनाया जाता है, लेकिन ये जो है राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार जो होता है वो मंत्रिमंडल का सदस्य नहीं होता है, ये मंत्रिमंडल का सदस्य होता है और ये मंत्रिमंडल का सदस्य जो है नहीं होता है। लेकिन विभाग मंत्रालय के अगर देखा जाए तो कैबिनेट मंत्री और राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार दोनों को ही मंत्रालय का स्वतंत्र प्रभार दिया जाता है। यहां पर ये विभाग होता है, ये जो है ये विभाग में होता है, ये विभाग का प्रभारी होता है। लेकिन राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार और कैबिनेट मंत्री ये दोनों ही जो है मंत्रालय के स्वतंत्र प्रभार इनके पास होता है, इनके प्रभार होता है, लेकिन ये मंत्रिमंडल का सदस्य होता है इसलिए इसे कैबिनेट बोल दिया जाता है मंत्री। लेकिन ये राज्य मंत्री जो स्वतंत्र प्रभार होता है ये प्रभारी तो होता है मंत्रालय का, लेकिन ये मंत्रिमंडल का सदस्य नहीं होता है और चूंकि मंत्रिमंडल का जब सदस्य नहीं होता है तो यह उसकी बैठकों में सामान्यतया भाग भी नहीं लेता है। हाँ, यह उस समय भाग ले सकता है जब इसके विभाग से संबंधित कोई बैठक हो मंत्रिमंडल की, तभी यह वहां पे भाग ले सकता है। उपमंत्री के पास किसी भी मंत्रालय या विभाग का स्वतंत्र प्रभार नहीं होता है, ये कैबिनेट मंत्री और राज्य मंत्री के सहायता के रूप में भाग लेते हैं। संसदीय सचिव की भी एक श्रेणी वहां पर होती है लेकिन इन्हें मंत्रालय के रूप में दर्जा नहीं दिया जाता है। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि जो मंत्रिपरिषद की जो संरचना है उसमें कुल पांच प्रकार के पदाधिकारी होते हैं जो कि महत्वपूर्ण विभागों में स्वतंत्र रूप से या विभाग के रूप में या उनके सहायक के रूप में अपनी भूमिका को अदा करते हैं और देश में जो नीतियां बनाई जाती हैं सरकार की तरफ या उसे ये कहा जा सकता है कि मंत्रिपरिषद की तरफ से, वहां पर इनके द्वारा अलग अलग भूमिका अदा किया जाता है। तो हम लोगों ने देखा कि संरचना के अंतर्गत ये लोग भाग लेते हैं। यहाँ पर एक और हायरार्की का हम लोग अध्ययन करेंगे। जिस तरीके से हम मंत्रिपरिषद की संरचना में इस चीज को देखें उसी तरीके से हम मंत्रिपरिषद में आकार को बढ़े हुए आकार से घटे हुए आकार की तरफ देखेंगे तो इसका एक हायरार्की ये बनता है।
मंत्रिपरिषद, मंत्रिमंडल, और एक शब्द प्रयोग होता है किचन कैबिनेट। किचन कैबिनेट एक होता है सुपर कैबिनेट। सुपर कैबिनेट ये व्यवस्था, इसकी एक संरचना हायरार्की ये बनती है कि मंत्रिपरिषद, मंत्रिमंडल, किचन कैबिनेट और सुपर कैबिनेट ये क्रमशः घटते हुए आकार में देखे जाते हैं। सबसे बड़ी जो संस्था है वो ये है, उसके बाद ये है, उसके बाद ये है, उसके बाद सुपर कैबिनेट है। मंत्रिपरिषद की व्यवस्था और इसके मंत्रिपरिषद का जो प्रावधान है अनुच्छेद 74 के अंतर्गत किया गया है, इसके अंतर्गत मंत्रिमंडल, राज्य मंत्री, कैबिनेट मंत्री, उपमंत्री, संसदीय सचिव सभी शामिल होते हैं। यह सरकार के रूप में, कार्यपालिका के रूप में काम करती है और यह सबसे बड़ी संस्था और संरचना होती है। इसमें सभी प्रकार के मंत्री शामिल होते हैं। मंत्रिमंडल इसके अंतर्गत केवल कैबिनेट स्तर के मंत्री भाग लेते हैं और इसकी संख्या जो है मंत्रिपरिषद की संख्या से काफी छोटी होती है या लगभग आधी होती है। अगर इसकी संख्या 55 से 60 होती है या 60 से 65 होती है तो यह जो है 25 से 30 संख्या इसमें होते हैं जिनके पास किसी भी मंत्रालय का स्वतंत्र विभाग होता है, जैसा कि ऊपर बताया गया, और ये कैबिनेट के सदस्य होते हैं। किचन कैबिनेट जो होता है वो कैबिनेट के अंतर्गत कैबिनेट होता है। इसपे कैबिनेट के टॉप 8 या 10 मंत्री सम्मिलित होते हैं और यह जो किचन कैबिनेट है वो कैबिनेट की एक छोटी इकाई है। यह पूर्ण रूप से बहुत ही छोटी अनौपचारिक और संविधानिकता संस्था है जो कि महत्वपूर्ण विषयों पर तात्कालिक रूप से निर्णय लेने के लिए इसकी बैठकें बुलाई जा सकती हैं और यह अनौपचारिक रूप से काम करती है, इसलिए इसकी बैठकें कभी भी बुलाई जा सकती हैं और देश के सामने अगर कोई समस्या आती है तो किचन कैबिनेट या छोटी जो कैबिनेट का रूप है वो किसी भी समय बैठक करके किसी भी विषय पर निर्णय ले सकती है, तो ये किचन कैबिनेट के रूप में काम करती है। एक सुपर कैबिनेट है, इसे अब हम जब कार्य पद्धति का अध्ययन करेंगे तो वहां से आपको इसके बारे में जानकारी प्राप्त होगी। तो यहां पर हमने मंत्रिमंडल, मंत्री परिषद, किचन कैबिनेट और सुपर कैबिनेट के बारे में जो है उसके आकार के आधार पर हायरार्की को देखा। कार्य पद्धति में भी हम सुपर कैबिनेट को भी स्पष्ट करेंगे। इसमें कार्य पद्धति जो मंत्री संघीय मंत्रिपरिषद की जो कार्य पद्धति है वो समितियों के माध्यम से है, यानी कि संघीय मंत्रिपरिषद समितियों के माध्यम से कार्य करती है और इन्हें मंत्रिमंडलीय समिति के नाम से भी जाना जाता है। इसमें कैबिनेट स्तर के मंत्री भाग लेते हैं और ये जो मंत्रिमंडलीय समिति होती है ये दो प्रकार की हो सकती है, एक तदर्थ हो सकती है और एक अस्थाई हो सकती है। तदर्थ और अस्थाई, तदर्थ और अस्थाई दोनों रूप में काम करती है। तदर्थ किसी आकस्मिक या महत्वपूर्ण विषय के आने पर उस पर गठित होती है और अपने उद्देश्यों को पूरा करने के बाद यह तदर्थ मंत्रिमंडलीय समिति समाप्त हो जाती है, जबकि अस्थाई मंत्रिमंडलीय जो समिति होती है वो प्रत्येक स्थिति में बनी रहती है और देश में अपने स्वरूप से संबंधित कार्यों के संदर्भ में हमेशा निर्णय लेती रहती है। ये जो अस्थाई समिति है इसके अंतर्गत 4 प्रकार की राजनीतिक मामलों की, आर्थिक मामलों की, नियुक्ति से संबंधित मामलों की और इसी तरीके से संसदीय मामलों की, संसदीय मामलों की मंत्रिमंडल समिति होती है। कार्य पद्धति के अंतर्गत हम लोग ये चीज देख रहे हैं कि जो मंत्रिपरिषद या मंत्रिमंडल होती है वो समितियों के माध्यम से कार्य करती है और उन समितियों को मंत्रिमंडलीय समिति कहा जाता है। मंत्रिमंडलीय समिति कैबिनेट स्तर के मंत्रियों से मिलकर के बनी होती है और
ये विभिन्न प्रकार के विषयों पर गहन अध्ययन के बाद निर्णय लेती है और इस तरीके से मंत्रिमंडल के समक्ष आने वाले विभिन्न प्रकार के दबावों को कम करने का काम करती है, क्योंकि इसमें विशेषज्ञ स्तर के मंत्री इसमें भाग लेते हैं जिनको उस विषय के बारे में जानकारी होती है और गहन अध्ययनोपरांत उस पर निर्णय लिया जाता है। तो इस तरीके से राजनीतिक मामलों के, आर्थिक मामलों के, नियुक्ति मामलों के जो मंत्री होते हैं वो सामान्यतः इसका प्रभार प्रधानमंत्री के पास होता है और इसका प्रभार जो है वो गृह मंत्री के पास सामान्यतया होता है। राजनीतिक मामलों की जो समिति है, आर्थिक मामलों की समिति, नियुक्ति मामलों की समिति है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है जो कार्य विभाजन के सिद्धांत पर काम करती है। राजनीतिक विषयों के संदर्भ में जो मंत्रिमंडलीय समिति अपने कार्य और नाम से ही स्पष्ट है कि राजनीतिक विषयों के संदर्भ में जो निर्णय होंगे वो लिए जाएंगे, आर्थिक मामलों के संदर्भ में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति के द्वारा लिया जाएगा। तो ये समितियां जो होती हैं वो राजनीतिक मामलों की समिति बहुत ही महत्वपूर्ण जो है समिति होती है और यह सुपर कैबिनेट के रूप में भी काम करती है। तो इस तरीके से मंत्रिमंडलीय जो समिति है वो सुपर कैबिनेट के रूप में काम करती है, क्योंकि व्यवहार में जो सरकार की शक्तियां हैं वो इन्हीं के द्वारा प्रयोग में लाई जाती हैं और ये अपने नेचर के अनुसार इन सभी जो भागों में निर्णय लेती हैं, गहन अध्ययन करती हैं और निर्णय लेती हैं तथा मंत्रिमंडल के ऊपर आने वाले या समक्ष आने वाले दबावों को कम करती हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर हम लोगों ने उनकी कार्य पद्धति के बारे में देखा कि वह इस कार्य पद्धति के आधार पर काम करती हैं। एक अगली महत्वपूर्ण जो व्यवस्था है वो कार्य और भूमिका के संदर्भ में है, हम इसे भी देखेंगे। मंत्रिपरिषद या मंत्रिमंडल दोनों ही एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और दोनों को बहुत अलग करके नहीं देखा जा सकता है। परीक्षा में यदि पूछा जाता है सवाल तो मंत्रिमंडल तो सबसे शक्तिशाली संस्था के रूप में, मंत्रिपरिषद से छोटी संस्था संरचना होती है, एक इकाई होती है, लेकिन यदि मंत्रिपरिषद के द्वारा भी पूछा जाता है तो वही कार्य उसका भी होगा, इसलिए क्योंकि मंत्रिमंडल ऑलरेडी उसमें निहित होती है। तो इस तरीके से जो देश के अंतर्गत शासन प्रशासन, नीतिगत मामले और विभिन्न प्रकार के आने वाली समस्याओं के संदर्भ में दिन प्रतिदिन के कार्य और प्रशासन होते हैं उसके लिए मंत्रिपरिषद अंतिम रूप से जिम्मेदार होती है, उत्तरदायी होती है। देश में सुचारू रूप से शासन के संचालित होने के लिए यह संस्था बहुत ही महत्वपूर्ण होती है और इसी के द्वारा देश में शासन संचालन को सुचारू बनाए रखने के लिए विभिन्न स्तर के नीतिगत मामलों पर निर्णय लिए जाते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण जो भूमिका होती है वो नीतियों के संदर्भ में होती है। इसके सबसे महत्वपूर्ण काम नीतियों का निर्माण करना, नीतियों का जो है निर्माण करना इसका सबसे महत्वपूर्ण कार्य होता है। तो देश के आंतरिक मामलों में तथा बाह्य मामलों में विभिन्न प्रकार के देशों के साथ में किस तरीके की नीतियों की आवश्यकता है वो नीतियों की जो है संदर्भ में कैबिनेट के द्वारा या मंत्रिपरिषद के द्वारा निर्णय लिए जाते हैं और उन नीतियों के अनुसार जो कानून की आवश्यकता होती है उससे संबंधित विधेयक भी सदन में इनके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। और ध्यान रहे चूंकि ये उस पार्टी के द्वारा बनाए गए जो मंत्रिपरिषद होती है जिसे लोकसभा में बहुमत होता है, अर्थात इनके द्वारा जो प्रस्तुत विधेयक होते हैं वो सामान्य स्थिति में पास हो जाते हैं और पारित हो जाते हैं और कानून बन जाते हैं। एक स्थिति और भी हो सकती है कि सरकार को लोकसभा के पास बहुमत हो किंतु राज्यसभा में बहुमत ना हो, तो वहां पर कुछ विधेयक पास नहीं हो पाते हैं और वह लंबे समय तक आगे बढ़ते रहते हैं, क्योंकि हो सकता है सरकार को लोकसभा में बहुमत हो, उसके आधार पर सरकार बन गई हो, लेकिन राज्यसभा में बहुमत ना होने के कारण वह वहां से जो है पास विधेयक नहीं हो पाता या पारित नहीं हो पाता। तो इस स्थिति में जो है नीतियों का निर्माण करना इसका सबसे महत्वपूर्ण काम है और वो देश की आवश्यकता के अनुसार नीतियों का निर्माण करता है, कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार करता है, लोक कल्याणकारी कार्यक्रमों को बनाता है जिससे देश के विभिन्न प्रकार के आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके, देश का विकास किया जा सके। तो नीतियों का निर्माण जो है मंत्रिमंडल या मंत्रिपरिषद का सबसे महत्वपूर्ण काम होता है। इसी तरीके से आर्थिक कार्य, आर्थिक क्षेत्र में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। वित्त मंत्रालय का जो आर्थिक मामलों का विभाग होता है, प्रभाग होता है, उसके द्वारा बजट का निर्माण किया जाता है और इस तरीके से बजट का निर्माण किया जाता है जिससे विभिन्न प्रकार के मंत्रालयों, विभागों, विभिन्न प्रकार की योजनाओं के लिए समुचित धन आवंटन किया जा सके और उसके द्वारा उन विभागों की आवश्यकताओं को पूरा करते हुए देश के विकास में
अपना योगदान दिया जा सके और देश का विकास किया जा सके। तो आर्थिक मामलों में भी इनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है और सरकार के द्वारा एक संतुलित बजट निर्माण की अपेक्षा की जाती है जो वित्त मंत्रालय के आर्थिक प्रभाग के द्वारा बनाए। कई बार यहाँ से सवाल भी पूछा गया है कि बजट किसके द्वारा बनाया जाता है, तो वित्त मंत्रालय जो है उसके आर्थिक मामलों के विभाग के द्वारा ये बनाया जाता है। वैदेशिक मामलों में भी इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। वैदेशिक मामलों में भी इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है कि विभिन्न देशों के साथ हमें किस प्रकार के संबंधों को बनाए रखना है, उन देशों के साथ विभिन्न प्रकार की गोष्ठी या सम्मेलन का आयोजन करना है, विभिन्न प्रकार के राष्ट्रों के साथ द्विपक्षीय या बहुपक्षीय संबंधों को किन नीतियों के आधार पर बनाए रखना है, इसके संदर्भ में भी जो है कैबिनेट की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। हालांकि इस संदर्भ में विदेश मंत्रालय का भी गठन किया गया है, लेकिन इसके साथ साथ जो है प्रधानमंत्री और कैबिनेट की विभिन्न विषयों पर बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है और ये माना जाता है कि कैबिनेट उस मामले में निर्णय लेती है। तो वैदेशिक संदर्भ में भी जो है महत्वपूर्ण भूमिका होती है। कई बार सरकार की जो है लोकतंत्र में आलोचना की जाती है कि विदेश नीति के इस मुद्दे पर सरकार असफल है। इसके कहने का तात्पर्य यह होता है कि वहां पर सरकार के द्वारा सही तरीके से नीतिगत मामलों में निर्णय नहीं लिए गए, इसलिए वहां पर कुछ राजनयिक लाभ नहीं प्राप्त होता है और वहां पर राजनयिक रूप से देश की क्षति होती है। इस तरीके से ऐतिहासिक आधार पर विभिन्न प्रकार के कालों में सरकारों की आलोचना होती रही है कि इसके संदर्भ में किस तरीके से निर्णय लिए गए और लिए जाते रहे हैं। तो वैदेशिक संदर्भ में राष्ट्र की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है और भारत के संदर्भ में देखा जाए तो सरकार की इस मुद्दे पर बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है। सरकार की बहुत ही सावधानी पूर्वक व्यवहार की नीतिगत निर्णय की अपेक्षा होती है ताकि वो वैदेशिक संबंधों में राजनयिक लाभ को प्राप्त कर सके, देश के हित को पूरा कर सके। इसी तरीके से समन्वयकारी जो भूमिका भी इसकी होती है, जैसे पूरी कार्यपालिका जो है विभिन्न प्रकार के मंत्रालय और विभिन्न प्रकार के विभागों में बटा होता है और उसमें जो है मंत्रिपरिषद के द्वारा समन्वय स्थापित करने का जो है प्रयास किया जाता है ताकि पूरी जो मंत्रालय है अलग अलग रूप में ना होकर के एक टीम के रूप में काम कर सके और देश के विकास में अपना योगदान दे सके। जैसे कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय है, अब इसमें जो है कार्मिक नियुक्ति प्रशिक्षण विभाग है, पेंशन विभाग है, इसी तरीके से लोक शिकायत विभाग है, तो वो मंत्रालय भी विभिन्न प्रकार के विभागों के रूप में काम करता है और मंत्रिपरिषद के द्वारा सभी मंत्रालय और विभागों में समन्वय स्थापित करने का काम किया जाता है। इसी तरीके से अगर देखा जाए तो नियुक्ति के संदर्भ में भी जो है महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जो सरकार के द्वारा नीतियों का निर्माण किया जाता है, सरकार के द्वारा जो भी नीति बनाए जाते हैं उन नीतियों का क्रियान्वयन होता है और नीतियों के क्रियान्वयन के लिए विभिन्न प्रकार के संवैधानिक पदाधिकारी या अस्थायी कार्यपालिका, जैसे सरकार जो है वो अस्थायी कार्यपालिका के रूप में काम करता है, वहीं पर हमारी नौकरशाही जो है अस्थायी कार्यपालिका के रूप में काम करती है क्योंकि वो नियुक्ति से लेकर अपने सेवानिवृत्ति की आयु तक कार्य करती है, जो सामान्यतः 60 वर्ष या कहीं कहीं पर 62 वर्ष इस तरीके की व्यवस्थाएं की गई हैं। तो ये नौकरशाही अस्थायी कार्यपालिका के रूप में काम करती है और यहाँ पर इनकी नियुक्ति के संदर्भ में सरकार की या मंत्रिपरिषद की या मंत्रिमंडल की महत्वपूर्ण भूमिका होती है और जिन भी संवैधानिक पदाधिकारियों की नियुक्ति की जाती है, जो संवैधानिक पदाधिकारी होते हैं, एक तो संवैधानिक पदाधिकारी हो गए, एक जो है हमारी स्थायी कार्यपालिका यानी कि नौकरशाही के द्वारा विभिन्न प्रकार के सचिवों के रूप में नियुक्ति, तो ये दोनों ही जो है कार्य में सरकार यानी कि मंत्रिमंडल या मंत्रिपरिषद की महत्वपूर्ण भूमिका होती है और जिन भी संवैधानिक पदाधिकारियों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है वह पूर्व में भी बताया गया है कि मंत्रिपरिषद की सलाह पर किए जाते हैं। तो इस तरीके से नियुक्ति में भी यह महत्वपूर्ण भूमिका इनकी होती है। और कुछ आकस्मिक, अगर कोई भी आकस्मिक कार्य आता है तो उससे निपटने के लिए सरकार जिम्मेदार होती है। अक्सर यह कहा जाता है कि इस घटना के लिए सरकार पूरी तरीके से असफल है या इस घटना को या इस प्रकार के कार्यों को सरकार ने बहुत ही अच्छे ढंग से निपटने में जो है सफल रही। तो कहने का मतलब वहां जब सरकार के लिए कहा जाता है, अगर किसी भी क्षेत्र में कोई आपदा आ गई, किसी भी क्षेत्र में कोई दंगे हो गए
या कोई क्षेत्र में कोई कल्याणकारी कार्यक्रमों को जो है निष्पादित करने का प्रयास किया गया, तो वहां पर जब कहा जाता है कि सरकार यहाँ पर सफल है, तो वहां सरकार से तात्पर्य मंत्रिपरिषद या मंत्रिमंडल से ही होता है। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो कुल मिलाकर कई क्षेत्रों में जो मंत्रिपरिषद की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है और यह मंत्रिपरिषद के द्वारा भूमिका का निर्वहन किया जाता है, जो सरकार के रूप में काम करती है और वास्तविक रूप से लोकतांत्रिक शक्तियों का जो प्रयोग करती है, नीतियों का निर्माण करती है, उसे क्रियान्वित करती है, लोक कल्याणकारी कार्यक्रमों को बनाती है और जनता की जो आवश्यकताएं हैं जनता के विकास के लिए उसके माध्यम से कार्य किया जाता है। तो निश्चित तौर पर आज के इस टॉपिक में हम लोग संघीय मंत्रिपरिषद के अंतर्गत सामान्य परिचय, उसकी संरचना, उसकी कार्य पद्धति और तथा कार्यों भूमिका के संदर्भ में व्यापक चर्चा किया। और इसके संदर्भ में एक और महत्वपूर्ण बात मैं बता दूं कि एक दो मित्रों ने जो है मेल पर और व्यक्तिगत रूप से व्हाट्सएप पर जो है मैसेज किया कि कुछ उनको टॉपिक प्राप्त नहीं हुए। आप लोगों को एक चीज ये भी ध्यान में रखना है कि यदि इन सभी जो है लेक्चर से आपको कुछ फायदा हो रहा है, आपकी तैयारी किसी परीक्षा के लिए जो महत्वपूर्ण होती जा रही है, तो निश्चित तौर पर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कैमरे के सामने हम आपको विभिन्न प्रकार के टॉपिक को देने का बेहतर प्रयास करते हैं, परंतु इसके पीछे एक क्रिएटिव टीम काम करती है जो लगातार वीडियो को और लेक्चर को बनाती है, आप लोगों के लिए अपलोड करती है। तो उसके मेहनत तब सफल होंगे और उसके तभी संतुष्टि प्राप्त हो सकती है जब आप चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, अपने मित्रों को शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। तो हम इस तरीके के जो है अपील कभी नहीं करते हैं, हमारा टारगेट वीडियो में अच्छी से अच्छी बातों को, अच्छे से अच्छे टॉपिक को, मैटर को आप लोगों को देना होता है, लेकिन क्रिएटिव टीम के मांग पर हम आप लोगों से ये आग्रह कर रहे हैं कि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पुनः अगले टॉपिक में हम एक नए लेक्चर के साथ आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।